हेलो दोस्तों, सोशल मीडिया सेंसेशन सहदेव जो कि बस्तर का बेटा है, बस्तर का स्टार है, उसके अच्छे दिन आ गए हैं। रैपर बादशाह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ लौटते ही उसने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से भी मुलाकात की, साथ ही अपने ही क्षेत्र के मंत्री कवासी लखमा, जिन्हें लोग लखमा दादी के नाम से बुलाते हैं, से भी मुलाकात की। सुनने में आया है दोस्तों कि सहदेव की पढ़ाई और म्यूज़िक ट्रेनिंग का खर्चा मशहूर रैपर बादशाह उठाने वाले हैं। यह भी खबर है कि मंत्री लखमा ने सहदेव को टीवी और गाना गाने के लिए साउंड सिस्टम देने का भरोसा दिलाया है, जिससे वो अपनी गायकी को और बेहतर बना सके। सहदेव का गाना सुनकर सीएम के मुंह से निकला वाह। दोस्तों आपको बता दें कि सहदेव छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का रहने वाला है। यह बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ पहुँचने की यात्रा भी बड़ी रोमांचक है। पहाड़ों पर 7 बार गोल गोल घूमकर जाना होता है। चित्रकूट, तीरथगढ़, वाटरफॉल है, कांगेर फॉरेस्ट है, यहाँ की मैना बहुत फेमस है, कहते हैं वो हम जैसे ही बोल लेती है। तो दोस्तों जाइए, सहदेव से भी मिलिए और बस्तर भी घूमिए। दोस्तों सहदेव अब जाना माना नाम है। इसका वीडियो बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना वायरल है, लेकिन क्या आप जानते हैं यह गाना इसने सबसे पहले आज से 2 साल पहले अपने टीचर के कहने से क्लास पे गाया था। और ये गाना उसे कहाँ से मिला? तो ये गाना गुजरात के एक लोकल सिंगर द्वारा गाया गया है। हालांकि इसकी चर्चा जो है ये सहदेव के गाने के बाद ज़्यादा हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि सहदेव से मिलने के लिए बादशाह ने उसे चंडीगढ़ बुलाया था। चंडीगढ़ जब वो फ्लाइट से गया तो उसे फ्लाइट में बैठने में बड़ा मज़ा आया। वो बहुत उत्सुकता से बच्चों जैसे सवाल करता रहा कि ऊपर कैसे जाएंगे, गिर तो नहीं जाएंगे, नीचे कैसे आएंगे, डर लग रहा है, पेट में गुदगुदी हो रही है। लेकिन उसे सबसे ज़्यादा मज़ा आया जब वो केबिन क्रू को बुलाने के लिए कॉल बेल पर जाता था बार बार, और केबिन क्रू उसके लिए पानी ला कर देते थे। दोस्तों सुनने में आया है कि बहुत जल्द वो हम बादशाह रैपर के साथ इसका एक पॉप सॉन्ग सुनेंगे। चलिए, यह हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है और आप छत्तीसगढ़ वासियों को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई।